नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपसे कुछ ऐसी बातें साझा करेंगे जिनको फॉलो करके आप जीवन में कभी बीमार नहीं पड़ेंगे और ना ही आपकी जवानी जल्दी से ढलेगी। आप ताउम्र स्वस्थ और तंदुरुस्त रहेंगे। दोस्तों आप में से कुछ लोगों को इन बातों के बारे में पहले से पता होगा, लेकिन हमारे बहुत से दोस्त ऐसे भी हैं जिनको इस बारे में नहीं पता है और वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इन गलतियों को दोहराते रहते हैं जो भविष्य में जाकर उनके लिए गंभीर समस्याओं का रूप धारण कर सकती हैं। दोस्तों आजकल के लाइफस्टाइल और अज्ञानता के चलते लोगों को खाने और खाने से जुड़ी चीज़ों के बारे में जानकारी बहुत कम है और वो बहुत सी ऐसी चीज़ें करते रहते हैं जिनसे भविष्य में उनको दिक्कत हो सकती है। दोस्तों आज हम जो बातें आपको बताएंगे वो छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं। अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो वो बहुत ही छोटी बातें हैं, अगर आप उनको फॉलो नहीं करते, वो गलतियां बार बार करते हैं, तो वही बातें आगे चलकर बहुत बड़ी हो जाएंगी। दोस्तों हमारे इस चैनल पर हम आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त आयुर्वेदिक नुस्खे और आयुर्वेदिक दवाओं के बारे में जानकारी लेकर आते रहते हैं, तो दोस्तों उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल के आइकन पर क्लिक करें। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा वक्त न लेते हुए आपको बताते हैं वो बातें, वो नियम जो आपको हमेशा ध्यान में रखने चाहिए। दोस्तों कुछ लोगों की आदत होती है कि वो खाना खाते समय खाने के बीच में या खाने के बाद ठंडा पानी पीते हैं, या खाना खाने के बीच में या खाना खाने के बाद में बहुत सारे लोगों की आदत होती है कोल्ड ड्रिंक्स पीने की। कुछ लोग ठंडा पानी पीते हैं, कुछ लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं। दोनों ही चीज़ें दोस्तों बहुत ही खतरनाक हैं। आपको खाना खाने के बीच में या बाद में ठंडा पानी या कोई भी ठंडा पेय पदार्थ नहीं पीना चाहिए। दोस्तों लगातार ये गलती दोहराने से धीरे धीरे हमारी जठराग्नि जो होती है, जो खाना पचाने में हमारी सहायता करती है, वो मंद पड़ जाती है, जिससे खाना पचाने में दिक्कत होती है और पेट से जुड़ी बहुत सारी समस्याएं हमें हो जाती हैं। दोस्तों पेट की समस्या होने से अपने आप और भी बहुत सारी बीमारियाँ जन्म ले लेती हैं। दोस्तों खाना खाने के बीच में और बाद में कभी भी आपको ठंडा पेय पदार्थ नहीं पीना चाहिए। अगर आपको पीना ही है तो आप नॉर्मल पानी या गुनगुना पानी पियेंगे तो और भी आपके लिए अच्छा होगा। ये तो थी दोस्तों पहली बात, अब बताते हैं आपको दूसरी बात। दोस्तों कुछ लोगों को खाने के तुरंत बाद नहाने की आदत होती है जो कि बहुत ही खतरनाक है। दोस्तों खाना खाने के बाद कभी भी नहाना नहीं चाहिए, क्योंकि दोस्तों खाने के तुरंत बाद नहाने से हमारा ब्लड का जो फ्लो होता है वो पेट की तरफ न होकर हाथों और पैरों की तरफ हो जाता है, जिससे हमारा खाना अच्छे से हजम नहीं हो पाता और बहुत सी दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। कब्ज, अपच और पेट से जुड़े अन्य रोग भी इससे उत्पन्न हो सकते हैं, जो भविष्य में चलकर आपके लिए और भी गंभीर रूप धारण कर सकते हैं। तो दोस्तों ये होगी दूसरी बात। अब तीसरी बात आपको बताते हैं। दोस्तों आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, वो खाने के तुरंत बाद धूम्रपान करते हैं, बीड़ी या सिगरेट पीते हैं और वो बोलते हैं कि इससे खाना हजम हो जाएगा। और दोस्तों उनका सोचना होता है कि खाने के तुरंत बाद धूम्रपान करेंगे तो खाना हजम होने में आसानी होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। दोस्तों खाने के तुरंत बाद सिगरेट पीना बहुत ही खतरनाक है। दोस्तों खाने के तुरंत बाद एक सिगरेट पीना 10 सिगरेट के बराबर होता है और ये कैंसर के चांसेस को 50% तक बढ़ा देता है। तो दोस्तों कभी भी खाने के बाद सिगरेट नहीं पीना चाहिए, क्योंकि आप सोच भी नहीं सकते कि इसके परिणाम कितने घातक आपके लिए हो सकते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और आगे आने वाली वीडियोज़ में हम आपके लिए और भी रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी लेकर आते रहेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप किसी टॉपिक पे हमसे कोई वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।